वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े तुसी रास्ते देखे होणगे, जिहड़े बड़े बड़े सूरमियां दे पिंडां नूं जांदे होणगे, जिहड़े मरदे दम तक जंग दे मैदान विच जूझ के लड़दे रहे। पर इह रस्ता दुनिया दे रस्तियां तों बहुत अलग है, क्योंकि इह अहिजे सूरमे दे पिंड वल जा रहा है जिहड़ा जंग दे मैदान दे विच सिर लैण तों बाद भी लड़दा रहा। हाँ जी, ये धन धन बाबा दीप सिंह जी का पिंड है। आओ तुहानू इस पिंड दे गुरद्वारा साहब दे दर्शन करवाइए। यह है जी बड़ा सुंदर गेट, यह है बाबा जी का पिंड। पिंड का नाम है गुरम। यह गुरम पिंड लुधियाने जिले दे विच बनिया होया है, डेलों दे नज़दीक है। तो यह पिंड है धन धन बाबा दीप सिंह जी महान शहीद जी का। यह है जी अगे बाबा जी का पिंड का गुरद्वारा साहब। जो इस पिंड का इतिहास है, जो इस गुरद्वारा साहब का इतिहास है, वो ये दसदा है जी कि धन धन बाबा दीप सिंह जी का यह दादका पिंड है। धन धन बाबा दीप सिंह जी का यह दादका पिंड है। तो बाबा जी का नानका पिंड है श्री अमृतसर साहब जी का पिंड पहोविंड विखे। ठीक है जी, पहोविंड विखे बाबा जी के नानके हैं। तो इस पिंड का इतिहास ये कहता है कि बाबा जी के दादा जी, बाबा जी के पिता जी पहला जंगा के मैदाना विच शहीद हो चुके सन। बाबा जी के माता जी उन्होंने लैके पहोविंड चले गए। उस तो बाद बाबा जी 2 साल इत्थे आए, बड़िया बख्शिशां कीतियां। संत विसाखा सिंह जी उन्होंने मालवे का इतिहास जो लिखा है उस विच इस पिंड का बड़ा जिक्र किया है कि यह गुरम पिंड वो है कि जदों घल्लूघारा होया कुप्पर हीरे मलेरकोटले दे कोल, उस समय इस पिंड दे विच दल खालसा, मिसलां तों बाद दल खालसा, ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਪਰ ਹੀੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ जंग हुई, युद्ध होया, उस समय सिंघां दा जो लंगर प्रसादा सी ओ इस गुरम पिंड दे विच ही तैयार हुंदा रहा। इतिहास विच ए भी लिखिया है कि इत्थे शस्त्र तैयार कीते जांदे सन इस गुरम पिंड दे विच। मैं यही तुहानू बेनती करदा कि कोई यह कन्फ्यूजन वाली, दुविधा वाली गल नहीं हैगी कि बाबा जी दा जन्म उत्थे होया जां इत्थे होया। गल ये है कि गुरु साहब ये कहते हैं, बचन करते हैं, जो नाम जपता है, जो सेवा भगती करता है ना, उन्हों गुरु साहब बहुत उच्चा चक के लै जाते हैं। मतलब बहुत माण सत्कार दुनिया विच दवाते हैं। तुसीं बड़िया साखियां पढ़िया होनिया ने इतिहास के विच महापुरखां दीआं कि महापुरख कोई भगती करते होंदे सीगे, पर जे वो किसी फौज दे विच होंदे सीगे अपने आप हाजरी लग जाती सीगी। जो पुछया जाता सी वह कहें तुसी तो इत्थे हाजिर सीगे। मतलब जो नाम जपता है, भगती करता है, गुरु साहब उसनू बहुत माण सत्कार दवाते हैं। बाबा दीप सिंह जी जदों इन्हां दी शहीदी हुंदी है, तुसी इतिहास जानते हो कि हाथ उत्ते सिर रख के लड़ते हैं। जदों इन्हां दा सिर लै जाता है, सीस तली ते धर के लड़ते हैं। मतलब किन्नी बख्शिश, किन्ना नाम जपया होना, सिर लैण तो बाद भी लड़ते रहे। तो जे आप कही भी ये पिंड दे विच भी जन्म होया जां उत्थे मानते हैं उत्थे होया, कोई ये वड्डी गल नहीं होनी, क्योंकि वह बाबा जी की अवस्था बड़ी उच्ची है। जे तुसी ये सोच के चलोगे ना कि वह गुरु साहब ने उन्होंने बड़िया शक्तियां बख्शिया, बड़ा प्यार बख्शिया, अपना मेहर भरिया हथ रखिया, फिर तो आप इत्थे भी सिर झुकावे गुरम पिंड दे विच
ਤੇ ਪੋਹਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਵੀ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨੀਏ, ਆਪ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਧਾ 'ਚ ਫਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਹਵਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖੋ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਢਾਣੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।